الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students I welcome all of you to excellent e-learning program उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे और इससे आप अच्छे तरीके से मुस्तफीद भी हो रहे होंगे या यूं कह लें कि आपको इससे इल्मी एतबार से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा अज़ीज़ तलबा आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इंटरमीडिएट इंग्लिश का लेसन नंबर 2 है और ये लेसन नंबर 2 बुक 2 का एक एसे है इसका टाइटल जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे वो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इसके लिखने वाले दो राइटर्स हैं पहला लेसन जो आपने पढ़ा द डाइंग सन उसमें राइटर एक था सर जेम्स जीन्स लेकिन इसमें दो राइटर्स हैं और इनके नाम ऊपर लिखे गए हैं जी डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड्स दिलचस्प बात यह है कि ये लेसन लिया गया है एक बुक से जो कि 1956 की पब्लिकेशन है गोया 60 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस लेसन की पब्लिकेशन को और बुक का नाम जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं द न्यू बेसिक साइंस है ये बुनियादी तौर पर यह किताब जो है वो एक टेक्स्ट बुक है और उस टेक्स्ट बुक के मुख्तलिफ यूनिट हैं ये यूनिट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर है जो कि हमारे निसाब का हिस्सा है ये 1956 का ज़िक्र इसलिए भी मैंने किया कि जब आप साइंस की बात करते हैं तो ये बड़ा ही ज़रूरी होता है कि आपकी मालूमात जो हैं वो अपडेटेड हो अनलकीली हमारा निसाब जो है वो बहुत पुराना है और अभी मैंने कहा कि ये 60 वर्ष कबल कमोबेश 60 वर्ष कबल पुराना टेक्स्ट है तो इसके अंदर साइंस के हवाले से जो मालूमात दी गई हैं वो आप बजा तौर पर तवक्को कर सकते हैं कि वो मालूमात इंतहाई पुरानी होंगी इसका डेटा जो है वो आउटडेटेड है लेकिन बहरहाल क्या करें ये चूंकि हमारे निसाब का हिस्सा है हमने इसको ये जैसे दिया गया है ऐसे ही पढ़ना है इस लेसन का बुनियादी मौजू क्या है जी कि साइंस के आ जाने से हमारी ज़िंदगियों में साइंसी इनकलाब आ जाने से क्या बेहतर तब्दीलियां रूनमा हुई हैं हर चीज़ के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं ज़ाहिर है साइंस के भी कुछ डीमेरिट्स हैं लेकिन उनका ज़िक्र यहाँ पर नहीं किया गया यहाँ पर खालिस्तन या मुकम्मल तौर पर उन बातों का ज़िक्र किया गया है जो कि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी का बायस है उसके लिए इन दोनों राइटर्स ने हेडिंग्स की सूरत में मुख्तलिफ पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं तो पहली हेडिंग जो है वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्या है जी कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ तो अज़ीज़ तलबा जो पहला हमारा इस लेसन के हवाले से मेन पॉइंट ये है कि साइंस के आ जाने से हम इस बात के काबिल हुए हैं कि बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी जंग वो अक्सर औकात फतह की सूरत में इख्तिताम पज़ीर होती है तो राइटर्स ने शुरू में यानी एक पैराग्राफ के अंदर इस बात का ज़िक्र किया है कि माजी में यानी साइंसी इनकलाब आने से पहले की सूरत हाल बीमारियों के हवाले से क्या थी और साइंस के आ जाने से क्या बेहतरी रूनमा हुई है तो इसको चार पॉइंट्स की सूरत में मैंने सब पॉइंट्स जो बनते हैं वो बोर्ड पे लिखा है तो पहले पॉइंट की तरफ अगर आप देखें तो क्या है कि माजी में क्या होता था हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन द पास्ट इन्फेंट कहते हैं जी शीरखार बच्चे को मॉर्टेलिटी यहाँ पर से मुराद डेथ है और रेट आपको पता है जी शरा या रेशियो को कहेंगे कि माजी में जो बच्चे थे उनकी यहाँ मॉर्टेलिटी रेट यानी शरा अमवात बहुत हाई था तो राइटर जो है वो कहते हैं कि 8 बच्चों में से 7 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले पहले इस दारफानी से कूच कर जाते थे तो इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको देखें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा हाई था तो पहली बात ये होगी
दूसरी बात क्या है जी, शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द पास्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मुराद क्या है इस फ्रेज में? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मुराद ये है कि आप इमकानी तौर पर कितनी देर इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, यानी कि हमारे यहाँ एवरेज लाइफ स्पैन कितना है। तो इन राइटर्स के मुताबिक माजी में लाइफ स्पैन एवरेज 30 ईयर्स था, और जो कोई शख्स 30 बरस से ज़्यादा ज़िंदा रह जाता वो उसको खुशकिस्मत गर्दाना जाता था। लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने के बाद और बीमारियों पर काबू आने के बाद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और आज हम तवक्को कर सकते हैं कि हम 60 से 70 वर्ष औसतन ज़िंदा रहेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, हमारी ज़िंदगी में 30 से 40 साल का इजाफा हो चुका है। अब ये हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह क्या थी कि मुख्तलिफ बीमारियाँ, जब इन्फेक्शियस डिजीज़ और कंटेजियस डिजीज़, उनको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। इसको आप आज की जो मौजूदा सिचुएशन है कोरोना के हवाले से, उससे कंपेयर कर सकते हैं कि कोरोना से आप देखें कि ग्लोबल लेवल पर कितनी अमवात हो रही हैं, और हम उसको कंट्रोल करने में अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं। कुछ इलाकों में हम कामयाब हैं ज़्यादा हद तक, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा नाकामी के असरात मौजूद हैं। तो माजी में एंटीबायोटिक्स हमारे पास नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं थी, तो उसकी वजह से जितनी भी इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज़ एक बार फूट पड़ती तो वो फिर पूरी कम्युनिटी या ग्रोह के अंदर फैल जाती और सैकड़ों हज़ारों लोग उन बीमारियों से मर जाते। तो अब एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन के आ जाने से इन बीमारियों पर हमारा कंट्रोल माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गया है। तो अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये तीसरे और चौथे पॉइंट्स में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन, अगरचे लफ्ज़ वैक्सीनेशन का इस लेसन के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो यही है, क्योंकि जिन बीमारियों का जिक्र राइटर्स ने किया है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, हैज़ा है यानी कॉलरा है, टाइफॉइड है, टीबी है जिसे पूरी तरह ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, उर्दू में तपेदिक कहेंगे, न्यूमोनिया है वगैरह वगैरह, बीमारियों के नाम लेते जाएं, इन बीमारियों पर बच्चों के हवाले से बिलखसूस हमारा कंट्रोल जो है वो वैक्सीनेशन की वजह से है। और अगर बड़ों में इन बीमारियों की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा कंट्रोल एंटीबायोटिक्स की वजह से है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पे वैक्सीनेशन का वर्ड जो है वो लिखा है, या आपको जैसा कि मैंने कहा कि लेसन के अंदर वाज़े तौर पर या लफ्ज़ की सूरत में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग यही है कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन के ज़रिए सेहतमंद रखते हैं, और मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट्स यानी शीरखार बच्चों के यहाँ बहुत कम हो गया है। फोर्थ पॉइंट क्या है जी, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऊपर भी के पॉइंट्स को बोलते हुए भी मैंने जिक्र किया कि अब इन बीमारियों पर काबू पाने की वजह से जो ह्यूमन लाइफ जो है उसका औसतन यानी एवरेज स्पैन माजी के मुकाबले में 30 से 40 साल ज़्यादा हो चुका है, और अब हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इंसान की औसत उम्र मुख्तलिफ इलाकों में अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो वो 60 से 70 ईयर्स हो सकती है। तो यूँ हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। तो अजीज़ तलबा, बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ के बाद दूसरा मेन पॉइंट क्या है जी, वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस। तो इस हेडिंग के तहत या इस दूसरे मेन पॉइंट के तहत राइटर्स ने शुरू में अपने तरीक़ाकार के मुताबिक या उस लेसन की अरेंजमेंट के मुताबिक पहले उन कंडीशंस का ज़िक्र किया है जो कि माजी में मौजूद थी, और फिर उस इसी हेडिंग के तहत आखिर में उस बेहतर सूरत हाल का ज़िक्र किया है जो साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी में रूनमा हो चुकी है। तो
सैनिटरी का मतलब ये है कि सफाई के हवाले से, तो माजी में सफाई के हवाले से या हाइजीन के हवाले से सूरत हाल बहुत ही बुरी थी। तो इसलिए मैंने पहला जो सब पॉइंट है वो क्या है जी, पैथेटिक सैनिटरी कंडीशंस इन द पास्ट। पैथेटिक से मुराद है बहुत बुरी, मिजरेबल, कि माजी में सफाई के हवाले से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर जगह गंदगी के ढेर हमें नज़र आते थे और साफ़ पीने वाला पानी अवेलेबल नहीं था। जानवर गलियों में घूमते फिरते रहते थे, कूड़ा करकट वगैरह जो है और गंद मंद गलियों में पड़ा रहता था। यही वजह है कि आपको दूसरा सब पॉइंट ये नज़र आएगा कि गार्बेज, रेफ्यूज, डर्टी वाटर इन अनपेव्ड स्ट्रीट्स। तो गोया माजी में सूरत हाल क्या थी, गार्बेज कहते हैं जी कूड़ा करकट को, रेफ्यूज ये भी इसी लेसन के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इससे मुराद है जी गंद जो होता है ख़ास तौर पे ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, और डर्टी वाटर चूँकि सैनिटरी सिस्टम बेहतर नहीं था या ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं था तो गंदा पानी जो है वो गलियों में बहता रहता था और इसी तरह कूड़ा करकट और गंदगी गलियों में पड़ी रहती थी। और गलियां कैसी होती थी जी, अनपेव्ड, अनपेव्ड से मुराद है कच्ची, कि ये सूरत हाल थी माजी में। और इन राइटर्स ने जो क्रोनोलॉजिकल टाइम लिमिट दी गई है, लिमिट दी है वो है तकरीबन एक सदी कबल, यानी 100 साल कबल की ये सूरत हाल थी यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे, कि गलियों में कूड़ा करकट गंद और गंदा पानी पड़ा रहता था। और ये गलियां कैसी थी जी, अनपेव थी, कच्ची थी। थर्ड पॉइंट क्या है, नो ड्रेनिंग सिस्टम। तो जैसा कि डर्टी वाटर का फ्रेज़ भी आपको बता रहा है कि गलियों में गंदा पानी फिरने की एक वजह जो या बुनियादी वजह कह लें ये थी कि गंदे पानी के निकास का कोई इंतज़ाम माजी के अंदर मौजूद नहीं था। आज के दौर में क्या सूरत हाल है ये अभी इसका ज़िक्र आएगा और हम इससे वाकिफ़ भी हैं, यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई भी तालिब इल्म वाकिफ़ ना हो, लेकिन बहरहाल माजी में ये जो बुरी सूरत हाल है सफाई की, इसकी एक बड़ी ही बुनियादी वजह क्या है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम उस दौर में बेहतर नहीं था या उस एग्जिस्ट ही बाज़ सूरतों में नहीं करता था। ड्रेनिंग सिस्टम से मुराद है कि गंदा पानी, या इसको आप आम फहम ज़ुबान में कह लें कि ये जो गटरों में जाने वाला पानी है उसके निकास का कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था। नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो पीने के लिए हमें साफ़ पानी की ज़रूरत है और ये साफ़ पानी माजी में अमूमी तौर पर, यानी अगर आप 1.5-2 सदी कबल चले जाएं तो क्या है जी, ज़्यादातर वेल्स यानी कुओं से लिया जाता था। अब चूंकि गंदगी हर जगह पर मौजूद है, गंदा पानी जो है गलियों वगैरह में खड़ा हुआ है, तो कभी कोई बारिश आई या मौसम ख़राब हुआ या पानी का निकास बिल्कुल ही बंद हो गया तो वही गंदा पानी और गंदगी बहती हुई उन कुओं में गिर जाती थी और लोग उन्हीं से वो पीने का पानी हासिल करते थे और नतीजतन बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे। तो वो जो पहले पॉइंट, मेन पॉइंट डिजीज़ के मुतालिक हमने पढ़ा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत शॉर्ट थी, लो थी, तो उसकी यही वजह थी कि जब आपकी सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो आप बहुत जल्द बीमारियों का शिकार होंगे और नतीजतन मौत का भी जल्द ही लुकमा बन जाएंगे। तो पीने का साफ पानी अवेलेबल अमूमी तौर पर नहीं था और जिन सोर्सेज से पानी आता था वो अक्सर औकात कंटेमिनेटेड होते थे। कंटेमिनेटेड से मराद जरासीम से आलूदा, तो वो जरासीम से पाक नहीं है और नतीजतन सूरत हाल सफाई की बहुत ही बुरी होती थी। एक तो ये है, दूसरा ये था पीने के पानी के हवाले से, या घर में सफाई के लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम थी। ख़वातीन जो हैं वो बकेट्स में यानी बाल्टियों में पानी भरकर दूर दराज जगहों से लाती थी और उस पानी को बड़ी ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता था। तो गोया पीने के पानी और सफाई के पानी की फराहमी या अवेलेबिलिटी वो भी बहुत कम थी। तो ये सूरत हाल राइटर्स ने बयान की है आज से अगर हम 2020
के पॉइंट पर बोलें तो तकरीबन 150-200 सदी कबल दुनिया में सूरत हाल ये थी। और यहाँ पे दुनिया से मुराद ख़ास तौर पर यूरोप है, क्योंकि ये वो ज़माना है जब यूरोप अभी तरक्की के मराहल तय कर रहा था। आज का तरक्की याफ्ता यूरोप नहीं है। जो मुस्लिम वर्ल्ड थी इस दुनिया में, वो ख़ास तौर पे ये सल्तनत उस्मानिया जो है, जिसके नाम से हम अर्तुगरुल ड्रामे की वजह से सभी आशना हो चुके हैं, यहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर थी। ये जितनी भी सूरत हाल है ये अप्लाई करती है आलमोस्ट 100% यूरोप पे। तो पीने का पानी अवेलेबल नहीं था, ये है जी माजी की सूरत हाल। तो पॉइंट 1 से लेकर 4 तक की सूरत हाल जो राइटर्स ने डिपिक्ट की है या पोर्ट्रे की है, इसका ताल्लुक माजी के साथ। आज की दुनिया में क्या है, तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि चूंकि ये बहुत पुराना टेक्स्ट है, कमोबेश 60 बरस पुराना है, तो अब तो बहुत ज़्यादा इनकलाब रूनुमा हो चुका है और सूरत हाल में तब्दीली बहुत बेहतर हो चुकी है। लेकिन बहरहाल जो राइटर्स ने जिन दो बातों का या पॉइंट्स का जिक्र किया है वो हम देखते हैं। पहला क्या है, इफ़ेक्टिव डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सीवेज कहते हैं ये जो गंदा पानी है, फिर मैं कहूँगा आम फहम ज़ुबान में गटरों में जाने वाला पानी, तो जिसे हम उर्दू में सीवरेज भी कह देते हैं। उर्दू इंग्लिश का लफ्ज़ जो है उसका प्रोनंसिएशन और है, उर्दू में और है। तो सुइज जो है, जो गंदा पानी गटरों में जाने वाला पानी है, उसकी इफ़ेक्टिव डिस्पोज़ल है। डिस्पोज़ल से मुराद उसको ठिकाने लगाना। तो अब साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इस गंदे पानी को बड़े मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाता है, वो गलियों में नहीं बहता रहता और ना बीमारियों का बायस बनता है। और क्या है जी आज की सूरत हाल में जो छठा पॉइंट है, जो आज की सूरत हाल को डिपिक्ट करता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। के जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ पर बिलखसूस, और तरक्की पज़ीर ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है, इनमें बिलअमूम हमें साफ़ सुथरा पीने का पानी हासिल है, घरों में पानी आता है। हमारा पांचवा पॉइंट बल्कि छठा पॉइंट है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल की वजह से जदीद दुनिया में ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बिलखसूस, और हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में बिलअमूम पीने का साफ पानी बड़ी आसानी से अवेलेबल है, और लोग जो हैं उस पानी की मकदार के हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं। तो ये पानी जहाँ पर ज़ेर ज़मीन यानी सब सॉइल वाटर भी अवेलेबल है और ठीक है, तो मुख्तलिफ पम्प्स वगैरह के इस्तेमाल की वजह से ये सारा पानी हमारे लिए आसानी से अवेलेबल है। और अगर हम इसका कंपैरिजन माजी से करें तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल हमें नज़र आती है। थर्ड मेन पॉइंट जो कि राइटर्स ने डिस्कस किया है इस लेसन के अंदर, वो क्या है जी, मोर फूड एंड बेटर फूड। तो जैसा कि मेन हेडिंग से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जदीद दुनिया में या साइंटिफिक तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि आजकल हमारे यहाँ फूड मकदार के हवाले से भी ज़्यादा है और अपनी क्वालिटी के एतबार से भी माजी के मुकाबले में बेहतर है। तो पहले पॉइंट्स की तरह शुरू में हम देखेंगे कि माजी की सूरत हाल क्या थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि आजकल सूरत हाल क्या है। तो माजी के हवाले से देखें तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये था लो यील्ड और प्रोडक्शन, यानी कि पर अगर हम ज़मीन की बात करें तो पर एकड़ पैदावार हमारी माजी में बहुत कम थी आज के मुकाबले में। अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक एकड़ से हम 10 मन को यील्ड ले रहे हैं मिसाल के तौर पर गंदम की, तो आज के दौर में वो 10 मन से 20 मन या इवन इससे भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी है। ये एक महज एग्ज़ाम्पल है। तो उसकी मुख्तलिफ फूड्स की प्रोडक्शन या यील्ड माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक तो ये जो है माजी में प्रॉब्लम था और आज की बेहतर सूरत हाल है। दूसरा इशू माजी में था अनअवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीज़न फूड्स।
तो बहुत सारे फल सब्जियां ऐसी हैं जो कि किसी ख़ास सीज़न में अवेलेबल होती हैं। कुछ फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल जो हैं, हमें सर्दियों में मिलते हैं, कुछ हमें सिर्फ गर्मियों में अवेलेबल हैं। ये सूरत हाल माजी में थी, लेकिन आज की दुनिया में ये सूरत हाल तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तमाम इकसाम के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या खाने पीने की अशिया थ्रू आउट द ईयर हमें अवेलेबल होती हैं। उनकी प्राइसेस में यकीनन फ़र्क पड़ जाता है, जब वो आउट ऑफ सीज़न होती हैं तो बढ़ जाती हैं प्राइसेस, और जब वो सीज़न उनका हो तो प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन प्राइसेस के अलावा अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन माजी में ऐसा नहीं होता था कि आउट ऑफ सीज़न फूड्स एंड वेजिटेबल्स आपको अवेलेबल हों। आज की दुनिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बड़ा इशू माजी में वो था जी रिलेटेड टू प्रेजर्वेशन। तो आउट ऑफ सीज़न क्यों नहीं अवेलेबल थी, वो इस वजह से थी। प्रेजर्वेशन से मानी है किसी फूड को, सब्ज़ी को या फसल को महफूज करना। तो आज के दौर में हम बड़े लंबे अरसे तक चीज़ों को महफूज कर लेते हैं जो खाने पीने की अशिया हैं, लेकिन माजी में ये चूँकि सहूलत या कहने के तरीक़ाकार अवेलेबल नहीं था, तो इसका नतीजा ये होता था कि जो भी चीज़ खाने की है वो खेत से आने के बाद, या अगर सी फूड है तो समंदर से आने के बाद, उसको थोड़े ही अरसे के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर ज़्यादा अरसा तक वो पड़ा रहता खाना तो वो ख़राब हो जाता था। तो माजी में ये सूरत हाल थी, आज की दुनिया में ये सूरत हाल नहीं है। तो आज की दुनिया में सूरत हाल क्या है, उसको भी तीन पॉइंट्स की शक्ल में इस लेसन के हवाले से आपके सामने दिया गया है। पहला तो है जी मोर प्रोडक्शन, कि माजी के मुकाबले में जो यील्ड है या प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो बहुत बढ़ गई है। और इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि हमें कोई भूख का मसला हो। जहाँ कहीं भी भूख का प्रॉब्लम है, उसकी वजूहत ये नहीं है कि खाने पीने की चीज़ें प्लैनेट अर्थ पर अवेलेबल नहीं हैं, उसकी वजूहत कुछ और हैं, पॉलिटिक्स है, पावर स्ट्रगल है, ये है ना, कि ये है कि अल्लाह की इस बनाई हुई ज़मीन पर पैदावार कम हो गई है और आबादी बढ़ गई है, इस वजह से लोग भूख का शिकार हैं कुछ इलाकों में। तो ये इशू नहीं है, प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो हमारी मैनेजमेंट का है, जहाँ कहीं भी भूख, नंग और अफलास है। अदरवाइज हमारे रिसोर्सेज माजी के मुकाबले में बहुत बढ़ गए हैं। तो एक और सूरत हाल जो फिफ्थ पॉइंट की सूरत में आपके सामने पेश है, वो है बेटर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं उसकी गजाई अहमियत को, या गजाई जो फूड वैल्यू जो है, यानी इसमें क्या कहना चाहिए कि प्रोटीन्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, फैट्स कितने हैं, गोया गजाई अज्जा जो हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कितने हैं। तो जदीद दौर में फूड की न्यूट्रिशन माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो हमें सूरत हाल नज़र आती है, उसकी वजह करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर या रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ये इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि माजी में चीज़ें जो हैं वो आज के मुकाबले में ज़्यादा प्योर होती थी। जहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ है, हमें प्योर चीज़ें मिलती हैं और वो न्यूट्रिशन के एतबार से बहुत बेहतर हैं और सेहत में बेहतरी का बायस बनती हैं। छठा पॉइंट जो है आज के दौर के हवाले से, वो है बेटर प्रेजर्वेशन। तो अब अगर हमें प्रेजर्वेशन, अभी हमने पढ़ा कि हम आप खाने पीने की अशिया को महफूज कर लेते हैं, कैसे करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े जो हैं फ्रीज़र्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें महीनों तक हम खाने पीने की अशिया को महफूज कर लेते हैं। यही वजह है कि फल, सब्ज़ियाँ वगैरह तकरीबन हमें तमाम साल अवेलेबल होती हैं। सी फूड हमें तमाम साल अवेलेबल होता है, माजी में ये सूरत हाल नहीं थी। तो यूँ इस थर्ड पॉइंट के अंडर राइटर्स ने हमें यह बताया
कि माजी में सूरत हाल खाने पीने के हवाले से इतनी बेहतर नहीं थी। और किस लिहाज से बेहतर नहीं थी? आउट ऑफ सीज़न चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उनकी क्वांटिटी भी कम थी, बाज़ सूरतों में उनकी क्वालिटी के भी इश्यूज थे। जदीद दौर में उनकी क्वांटिटी या प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, उनको हम बहुत लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता कि प्रेजर्वेशन से वो चीज़ अपने जायके या न्यूट्रिशन के लिहाज से ख़राब हो जाती है, बल्कि उसका जायका भी महफूज रहता है और उसकी न्यूट्रिशन भी महफूज रहती है। इस तलबा फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो है इस लेसन के हवाले से वो है बेटर एटीट्यूड। राइटर्स ने ख़ुद ही एटीट्यूड को डिफ़ाइन किया है। उर्दू में एटीट्यूड का तर्जमा जो है वो रवैया है। रवैये से मुराद ये है कि जब भी कोई वाकया रूनमा होता है तो हमारा उसकी तरफ रद्द अमल क्या है, उस वाक़े के हवाले से हम क्या महसूस करते हैं, हमारे इस तरह के रद्द अमल या महसूसात को एटीट्यूड कहते हैं। राइटर्स ने एटीट्यूड की डेफिनेशन इस अंदाज से की है। तो माजी का जो एटीट्यूड है और आज का एटीट्यूड जो है लोगों के ज़हनों के हवाले से या ज़हनी रवैयों के हवाले से वो मुख्तलिफ़ है। तो माजी का रवैया क्या था, उसमें हम देखते हैं जी सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन से मुराद है तोहमात, कि ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं कि जैसे नंबर 13 है कि ये हमारे लिए मनहूस है, फ़लाँ नंबर हमारे लिए क्या है जी हमारी किस्मत के लिए बेहतर है वगैरह वगैरह, फ़लाँ कलर जो है वो हमारी किस्मत के हवाले से बेहतर है, फ़लाँ कलर जो है वो हमारी किस्मत के हवाले से मनहूस है। ये सुपरस्टिशंस की एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो गोया सुपरस्टिशन से मुराद ऐसे बिलीव्स हैं जिनकी हकीकत पर बुनियाद नहीं होती, महज ख्याली बातों पर उनकी बुनियाद है, हकायक पर उनकी बुनियाद नहीं है। गोया अनफाउंडेड बिलीव्स जो हैं उनको सुपरस्टिशंस कहते हैं। तो माजी में अभी मैंने एग्जांपल्स दी, इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स पाए जाते थे, आज के दौर में भी पाए जाते हैं। फ़र्क जो है वो ये पड़ा है कि माजी में इस तरह की सुपरस्टिशंस या तोहमात पर यकीन रखने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और आज के दौर में ऐसे लोगों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत कम है। लोग अब भी हैं जो कि अच्छी या बुरी, मनहूस या बेहतर अलामात पर यकीन रखते हैं, लेकिन जैसा कि अभी कहा उनकी तादाद माजी के मुकाबले में बहुत कम है। इसी हवाले से मज़ीद हम कह सकते हैं चार्म्स एंड एम्यूलेट्स। तो चार्म्स या एम्यूलेट्स से मुराद, वैसे इस लेसन के अंदर चार्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका मुतबादल एम्यूलेट्स भी है, तावीज़ वगैरह, कि लोगों का ख़ास तौर पर हमारे जो एरिया है ये ईस्ट का, इस बात पर यकीन होता था कि भाई फ़लाँ शख्स ने, किसी बुज़ुर्ग ने, पीर ने, अगर हम अपने कल्चर की एग्ज़ाम्पल दें, इधर लेसन में ऑब्वियसली इसका ज़िक्र पीर वगैरह का नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए अपने कल्चर की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और अगर हिंदुइज़्म के हवाले से दें जैसे उनके साधु हैं और इस तरह के पंडित हैं, वो उन्हें कोई तावीज़ वगैरह देते हैं, तो लोगों का इस बात पर बड़ा यकीन होता था कि ये तावीज़ जादू टोना जो है वो बीमारियों का बाइस भी बनता है और हमें बीमारियों से वो सेहतयाबी भी अता करता है। तो लोग इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के पास जाते थे और उनका इस तरह की बातों पर बहुत यकीन होता था। तो ये माजी का रवैया था। फिर इसी तरह क्या है जी, बिलीफ इन ईवल स्पिरिट्स एंड एस्ट्रोलॉजी। ईवल स्पिरिट्स से मुराद भूत प्रीत, कि लोगों का यकीन था कि जिन भूत वगैरह मौजूद हैं वो हमारी बहुत सारी मसाइब का बायस बनते हैं, ख़ास तौर पे हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जी इल्म नजूम को, यानी सितारों का ऐसा इल्म जिसको हम अपनी अच्छी या बुरी किस्मत के हवाले से देखते हैं। ये मुख्तलिफ है एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी हम स्टार्स को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में जो है वो साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि स्टार्स को इस एंगल से स्टडी किया जाता है कि उनके हमारी ज़िंदगी पर कौन से अच्छे या बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो गोया ये सितारे जो हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो हमारी किस्मत पर असरअंदाज होते हैं और हमारी ज़िंदगी में अच्छी या बुरी तब्दीलियाँ लाने के अहल होते हैं या उनमें कैपेसिटी
पाई जाती है। तो माजी में इस बात पर भी लोगों का यकीन था, आज भी आपको लोग मिलेंगे, लेकिन अगेन वही बात कि ऐसे लोगों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। तो जदीद दुनिया में क्या सूरत हाल है जी? जदीद दुनिया में साइंसी इनकलाब की वजह से ये तब्दीली रूनमा हुई है कि लोगों का एटीट्यूड जो है, यही एटीट्यूड वो क्या है जी, रैशनल है, यानी अक्ल पर मबनी है। अक्ल इस बात का तकाजा करती है कि जिस चीज़ पर भी हमारा एतकाद है वो साबित शुदा हो, यानी साइंसी तरीका कार के मुताबिक अगर कोई चीज़ हकीकत प्रूव हो जाती है, किसी चीज़ को हकीकत मानना साइंसी नुक्ता नज़र से ज़रूरी हो जाता है, तो फिर हम उन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। अगर साइंस उन चीज़ों को प्रूव नहीं करती अपने मखसूस तरीक़ाकार के तहत, तो अक्सरियत का ऐसी चीज़ों पर ईमान या एतकाद नहीं होता। तो आज के जदीद दौर में इस तरह का रैशनल एटीट्यूड पाया जाता है और उलट हो गया। माजी में रैशनल एटीट्यूड अगर राइटर्स के नुक्ते नज़र से देखें तो वो अपनी शरा के एतबार से कम था, जदीद दौर में रैशनल एटीट्यूड अपनी शरा के एतबार से बहुत ज़्यादा है। इसका एक और नतीजा क्या है जी, पांचवा पॉइंट है, वो है ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा जी, वसीउल कल्बी, वसीउल ज़हन होना। तो क्या मानी हुए इसके, मानी ये हैं कि हम नए हकायक को तलाश भी करते हैं और जब कोई नई हकीकत हमारे सामने आती है तो उसको कबूल करने में हम कतअन गुरेज नहीं करते। वो जो तर्ज कोहन पे अड़ने की आदत है या तर्ज पुरानी रसूमात या रवायात पर डटे रहने की हमारा आदत है वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि नई नई डिस्कवरी साइंस की वजह से हर रोज़ हमारे सामने आती हैं। तो इसका नतीजा ये है कि लोग इस बात के लिए ज़्यादा तैयार हैं या विलिंग हैं, आमादा हैं कि भाई हकायक जो हैं, जो कुछ हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है सिर्फ वही नहीं है वन थिंग, और जिन हकायक के मुतालिक हम जानते हैं वो फाइनल नहीं है। हो सकता है कोई नई तहकीक, कोई नई दरियाफ्त उन हकायक में तब्दीली ले आए या हमारे माजी के एतकादात को गलत साबित कर दे या हमें इस बात पर मजबूर करे कि हम उन एतकादात में, उन एटीट्यूड में कुछ मुनासिब चेंज करें। तो ये ओपन माइंडेडनेस है जो साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हमारे रवैयों में वाकया हुई है। तो यूं अजीज़ तलबा, हमने अपने सेकंड लेसन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के मेन पॉइंट्स को मुख्तसरन स्टडी कर लिया है। उम्मीद है आज का ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हासिल हुई होगी इस लेसन के हवाले से। हमारे नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम अपने तरीक़ाकार के मुताबिक इस ही लेसन के इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स को टेक्स्ट की मदद से स्टडी करेंगे और उसकी वोकैबुलरी को भी देखेंगे और उसमें इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम सवालात को भी स्टडी करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट लेसन का प्लान है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, उम्मीद है आप इस चैनल को देखते रहेंगे और ये चैनल आपकी इल्मी ज़रूरियात को पूरा करता रहेगा। गुड लक एंड खुदा हाफिज़।